जीवन का बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। इस दिन उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ को आग लगाई थी जिसने मानव जाति का जीना भारतवर्ष में दुर्भर कर रखा था। नाम है उसका मनुस्मृति। बाबा साहब ने मनुस्मृति को आग लगाई क्योंकि वो तो पुस्तक को आग लगा रहे हैं। वो तो सबसे बड़े पुस्तक प्रेमी थे, सबसे बड़े पुस्तकों के लेखक थे। भारतवर्ष का सबसे बड़ा व्यक्तिगत पुस्तकालय उन्हीं के पास था, मगर फिर भी उस महापुरुष ने किसी पुस्तक को आग लगाई तो उसका सीधा सा कारण यह है कि उस पुस्तक के अंदर सारे के सारे कानून तो मौजूद है, वो हमारी बदहाली के लिए जिम्मेदार है। इसलिए उन्होंने आग लगाई और जिस दिन उन्होंने आग लगाई उस दिन उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि अब मुझे जब मौका मिलेगा तो हम इस देश की नई व्यवस्था बनाएंगे, नया संविधान बनाएंगे, नई मनुष्यवृत्ति बनाएंगे। और पराक्रमी लोग किसी के इंतजार नहीं करते। जब समय आया तो ये देश आजादी के सपने देखने लगा तो अंग्रेजों ने कहा कि भैया पहले अपना किस शासन पद्धति से देश चलाओगे, लेट अस एसर्टेन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट यू विल रन, लेट अस सी। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, भारत के नेहरू और गांधी से कहा था कि मुझे संविधान दिखा दो, हम देश को आजाद कर देंगे। संविधान लिखने के लिए किसी काबिल बैरिस्टर की जरूरत थी इस देश में। वो सारे बैरिस्टर थे, वो लंगोटा धारी की बैरिस्टर था, वो सफेद टोपी पहनकर जो एक हीरो जैसा प्रधानमंत्री भी बैरिस्टर था, मगर संविधान लिखने का जब नाम आया काम आया तो दोनों बैरिस्टर टर टर करने लगे। देश का संविधान गांधी नहीं लिख पाया, देश का संविधान नेहरू नहीं लिख पाया, जबकि दोनों बैरिस्टर थे। बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान लिखने के माध्यम से ये साबित कर दिया कि बाबा साहब असली बैरिस्टर थे, बाकी नकल करके पास हुए। मैं भैया इस फकीर का नाम नहीं लेता गांधी का, मगर मैं कोलगेट लेके आऊ साथ। गुजरात से तीन गुजराती बड़े बदमाश पैदा हुए, एक ये लपोटे वाला गांधी और एक पाकिस्तान बनाने वाला जिन्ना और एक वर्तमान में दिल्ली सरकार में जो बैठकर फेंके जा रहा ये तीन गुजरातियों ने देश बर्बाद किया, हमारा समाज बर्बाद किया, मगर अब परिवर्तन की बेला है। मैं डॉक्टर बीके अशोक जो मेरे पुत्र होते हैं, मैं उनकी बातों से बहुत सहमत हूं। आज का काम घर चलाना, मगर नहीं, अंबेडकर वादी कहते हैं हम आग से भोजन बनाएंगे, हम आग से जड़ी बूटियां पका के दवाइयां बनाएंगे, आग का दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो मेरे बच्चों मुझ में वो कुव्वत है कि मैं आपको अभी खड़ा करके आसपास की कॉलोनियों में तबाही मचा सकता हूँ, मगर नहीं, हम भीम पुत्र है, भीम सेनानी है। ये देश किसी का बाद में है, ये देश अगर किसी का है तो मेरे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का है। और अपने आप को साधु महात्मा जोगी कहते हो, अगर बदलना है इस देश का नाम अम्बेडकर के नाम पे कर दो, ये सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। हमारे नमक में कोई कमी है, दलितों के पिछड़ों के बच्चे, दलित और पिछड़े अपने बच्चों को कुछ सिखाते नहीं,
वो दुश्मनों के हाथ में पड़ के हमें मारने का पीटने का काम करते हैं। गुना के गुजरात में जो गौ हत्या के नाम पर मेरे बच्चों को पीटा, मेरे बच्चों की चर्बी उतार ली, उनकी खाल उतार ली, इसलिए उतार ली, झूठा आरोप लगाया था। ये तो गाय की हत्या करने जा रहे थे, वो बात झूठी थी मगर ये बात सच्ची है। उनको जो पीटने आए थे वो मध्य प्रदेश के शेड्यूल कास्ट थे। उनको ये नहीं कहा था तुम तुम्हारे परिवार वालों को तबाह करेंगे, तुम्हारी जाति वालों को पिटवाएंगे। उनको कहा था धर्म संकट में है, देश संकट में है, आओ देश द्रोहियों को हमें सबक सिखाना है। ये उनकी कपटचार होती है। हमारे बच्चे हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं यदि भीम ज्ञान चर्चा को नमन करता हूँ तो इसलिए करता हूँ, बाबा साहब ने कहा था गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो विद्रोह कर बैठेगा। ये भीम ज्ञान चर्चा गांव गांव में जाकर के ये बता रहा है कि हम पर अब तक अन्याय हुआ, हम पर अब तक अत्याचार हुआ, मगर अब हम ये अत्याचार सहने को तैयार नहीं। बाबा साहब का दर्शन समझ लो, बाबा साहब का दर्शन ये है कि एक गुलाम है, उस पर हंटर पड़ रहा है, एक हंटर पड़ता है, दो हंटर पड़ते हैं, सो हंटर पड़ते हैं, वो उनको सहन करता जाता है, बर्दाश्त करता जाता है, खून के घूंट पीता जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये बाबा साहब क्रांति कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये आज की सभा तो भाई भीम ज्ञान चर्चा वालों सुन लो, ये आज की आपकी मीटिंग मेरी बहना महिलाओं के नाम और युवकों के नाम। और युवकों एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क ये है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को अगर आग लगानी है तो एक जाति का मोमेंट बनाओ, एक जाति का मोमेंट चलाओ। और जो लोग एक जाति के नाम पर वकालत करते हैं, आंदोलन चलाते हैं, वो हमारा दुश्मन संगठन इतना नुकसान नहीं करते जितने ये नादान बच्चे कर रहे हैं। हमारा आंदोलन एक जाति का नहीं है, हमारा आंदोलन सभी जातियों का है, हमारा आंदोलन बहुजन मूवमेंट है। उत्तर भारत की चमार जाति और महाराष्ट्र की महार जाति, ये दो जाति सबसे बड़ी है, ये बड़े भाई है। बड़े भाई छोटे भाई की चिंता है, बड़ा भाई छोटे भाई को पेट भर खिलाने के बाद बलचा कुचा खाता है, बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पालने के लिए बड़ी मेहनत करता है। इन जातियों का फर्ज बनता है कि जो दूसरी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, अछूत हैं, उनको हमारे दुश्मन बहकाकर उनका हिंदूकरण कर रहे हैं और हम एक जाति के नाम पर आंदोलन चलाकर बाकी दलित जातियों को एक जाति के खिलाफ लामबद्ध होने की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। ये काम बंद होना चाहिए, ये काम बंद होना चाहिए। अब जब हमारे बीच में बच्चों, जवान बच्चों, मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि हमारा भविष्य, देश का भविष्य, समाज का भविष्य आपके हाथ में है। अब जो जब शादी होती है तो गोत्र पूछते हैं, क्या पूछते हैं? गोत्र। इधर शायद बीमारी कम है मगर हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बड़ी भयंकर बीमारी है। मैं कहता हूँ जब आप शादी करो तो गोत्र पूछना बंद करो और क्या पूछोगे? जाति पूछो। और मैं उस बच्चे को इनाम दूंगा जो अपनी जाति को छोड़कर दूसरी अछूत जाति में शादी करेगा। अरे तुम एक बार करके तो देखो, एक भंगी का और एक चमार का रिश्ता करा के तो देखो। आज उनके समाज के लोग बेशक टेढ़ी नजर करें मगर जब उनसे संतान पैदा होगी और उनके ऊपर कुछ संकट आएगा तो उसकी रक्षा के लिए चमार भी भागेंगे तो भंगी भी भागेंगे और बाबा साहेब का आंदोलन प्रणाम चढ़ेगा।
इसलिए बच्चों ताली मत बजाओ, अपनी अपनी गांठ बांध लो कि हमें जाति तोड़नी है। जाति नहीं तोड़ोगे तो भैया ना तो आपका बौद्ध धर्म सफल होना है, ना आपकी राजनीति सफल होनी है, ना आपकी समाज नीति सफल होनी है। ये अगर सब चीजें सफल होंगी तो तब होंगी जब हम जाति को तोड़ेंगे। बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म पर उंगली उठाते हैं जाति को लेकर के, और उनको पता नहीं है, अनजान है, अनाड़ी है, बगैर पढ़े लिखे अपने आप को दुनिया का विद्वान समझते हैं और बकवास बातें फेसबुक पर लिखते हैं। सुन लो, जैसी जाति की जकड़न आज है, ये बुद्ध के समय में ना थी। जैसी जाति की जकड़न आज है, ये बुद्ध के समय में ना थी। बुद्ध के समय में जो ग्वाला पुत्री सुजाता थी, उसका विवाह कहां हुआ? बनारस की श्रेष्ठी से हुआ। श्रेष्ठी कहते हैं वैश्य को, व्यापारी को। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। मैं सुजाता को नमन करता हूँ इसलिए कि उन्होंने पुत्र को खीर दान दिया, मगर उससे ज्यादा नमन इसलिए करता हूँ कि उन्होंने अपनी कोख से यश कुल पुत्र को जन्म दिया। और उस यश कुल पुत्र का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि जब सारनाथ केंद्र किताब में भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने 60 भिक्षुओं का संघ बनाया था, वो 60 भिक्षुओं में 55 भिक्षु यश और यश के मित्र थे। इतना बड़ा योगदान था। वो अंतर जाति विवाह हुई थी। महाराजा प्रसन्नजीत तो क्षत्रिय था, क्षत्रिय था, मगर उसने जो सबसे सुंदर अपने घर में रानी लाया था, वो अपने उद्यान पार की लाया था, अपने माली की लाया था। तो साथियों, आप देखेंगे सम्राट अशोक के समय में केवल 13 जातियां थी। कितनी जातियां थी? 13 जातियां थी। आज अगर हजारों जातियां हैं तो ये बौद्धों की वजह से नहीं है, ये बौद्ध धर्म विरोधियों की वजह से है। और जो इस देश में प्रति क्रांति खड़ी हुई, हम तो इस देश के असली बादशाह हैं, असली शहंशाह हैं, असली सम्राट हैं। अगर ये ब्राह्मण हमारे आड़े ना आता, अगर ये ब्राह्मण हमारे पीछे ना पड़ता, तो आज इन सारे बच्चों के सिर पर मुकुट होते, आज इन सारे बच्चों पर ताज होते। तो साथियों, हम षड्यंत्रों के मारे हैं और षड्यंत्र भी बहुत सारे हैं। इसलिए आपको ये चेतना चेताने आया हूँ कि अकल से काम लेना शुरू कर दो। फालतू बातें जो हम फेसबुक पर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर कर रहे हैं, मंचों पर कर रहे हैं, किताबों में कर रहे हैं, पत्र पत्रिका में कर रहे हैं, उससे मुक्ति पाओ। मैं कहता हूँ हमेशा बी पॉजिटिव एंड बी प्रोग्रेसिव। अगर आप पॉजिटिव बन गए, बेकार की बातें बंद कर दी, और ईर्ष्या भाव जो हम पसीदा लगते हैं उसको करना अगर बंद कर दिया, तो हम दुश्मन को जैसे चूहे को चूहेदान में बंद करते हैं, हम इस देश के ब्राह्मणवाद को और बुद्धिवाद के पिंजरे में बंद करने का पूरा मादा रखते हैं। तो इसलिए हम किसी से कम नहीं है। इस देश का राष्ट्रपिता बाबा साहब को होना चाहिए था। ये बेईमान है, ये मक्कार है, ये चारबाज है, ये फरे भी है जो गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। अरे गांधी राष्ट्रपिता होता तो राष्ट्र उसके रास्ते पर चलता। अरे राष्ट्र तो छोड़ो, जो गांधी का चेला था जिसका नाम नेहरू था, वो इसके रास्ते पर नहीं चला। गांधी लंगोटा पहनता था, नेहरू नवाबों की पोशाक पहनता था। मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा हुआ ये कांग्रेसी उसके रास्ते पर नहीं चले, ये कांग्रेसी उसके रास्ते पर नहीं चले। अगर ये लंगोटा पहनना शुरू कर देते और इंदिरा गांधी लाल किले से लंगोटा पहन के भाषण देते तो मेरे देश की इज्जत रुक जाती। अरे भैया गांधी को कहते हैं बापू। भैया मैं तो दिल्ली वाला हूँ, हम तो बापू कहते हैं बाप को। और बाबा किसे कहते हैं? बाप के बाप को। नहीं आई बात समझ में? हम इनके बाप हैं, मगर षड्यंत्रों से हमें रोका हुआ है। षड्यंत्रों से हमारे आंदोलन को पिछाड़ने का काम अब कई बुद्धिमान लोग कहते हैं, बड़े अकड़ के कहते हैं कि भाई तुम्हारा बौद्ध धर्म इतना महान है तो यहां से समाप्त कैसे हो गया? बात तो सही है, सवाल गलत है। भारत वर्ष से बौद्ध धर्म समाप्त नहीं हुआ, उसका रूप परिवर्तित हो गया। ये जो गौरक्षक बने हैं ना,
ये सारे के सारे गौ भक्षक थे। गाय को महा कहने वाले पहले महापुरुष भगवान बुद्ध हैं। गाय की जान बचाने की वकालत करने वाले पहले सबसे पहले महापुरुष भगवान बुद्ध हैं। ये तो उसका सूप बना के पीते थे, उसका मांस खाते थे, और आज ये गाय भक्त बन गए हैं। अब सुन लो, भारतवर्ष में जो ये आज गाय के रक्षक बने हैं ना, गाय के बौद्ध धर्म को पिछाड़ने के लिए इन्होंने मांस खाना छोड़ करके ये गाय भक्त बनने का काम किया। ये बौद्ध धर्म का प्रभाव है। तो साथियों, भारतवर्ष को जो लोग कहते हैं बौद्ध धर्म कैसे तबाह हो गया, बौद्ध धर्म अपनी अच्छाइयों की वजह से उसको ये दुख झेलने पड़े, हमारी अच्छाइयों का जो लोग मुकाबला नहीं कर पाते थे उन्होंने षड्यंत्र करके हमारे सम्राट की हत्या की, और हत्या करने के बाद इस देश में दमन चक्र चला। मैं कहता हूँ अगर बौद्ध धर्म में खराबी होती तो आज बौद्ध धर्म 40 देशों का राज धर्म नहीं होता। भारतवर्ष में अगर बौद्ध धर्म ऐसा आपको दिख रहा है तो उसका कारण ये है कि भारतवर्ष में ब्राह्मण नाम का एक जंतु रहता है जिसे बौद्ध धर्म को देख करके पेट में मरोड़े उठते हैं, वो बौद्ध धर्म के पीछे हाथ धो के पड़ा है, हाथ धो के पड़ा है। तो साथियों, आज मुझे आना था, रमेश गौतम जी 1988 से लगाओ कितने साल हो गए, 88 का मतलब 78 से 1978 से और 2018 तक हर साल मुझे बुलाते हैं। और यद्यपि अब भाई हमारी जो सेहत है वो भाषण देने वाली नहीं रही, अब भाषण देने वाले भाई राक्षस, हमारी सुंदर बिटिया, क्या नाम है उसका, शकुन शशि बाला और इनकी टीम के भाई विनोद, ये पैदा हो गए हैं। बच्चों याद रखना एक बात, हमसे शिकायत करते हैं लोग कि हम अपने मंच को किसी भी वक्ता को दे देते हैं तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। अरे जब तुम इतनी सारी भीड़ लेकर आओगे तो वो वक्ता ये सोचेगा ये तेरे कारण ये भीड़ आई, ये पता नहीं कि हम यहाँ जो आए हैं वो उनकी सजी हुई महफिल में उनके करे कराए पे ताली बजवाने आए हैं, उसमें हमारा कोई पराक्रम नहीं है, पराक्रम आपका है। जो लोग संतों के साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के पहले भागने का इंतजाम करते हैं वो संगठन के ऊपर भार होते हैं। मैं तो सलाम करता हूँ उन लोगों को जो संगठन से जुड़ गए और जुड़े रहे, संगठन को मजबूत करने में हम अपनी मजबूती जिस दिन महसूस करने लगेंगे उस दिन हमारे संगठन कामयाब होंगे। आजकल मैं एक बात कहता हूँ, हर देश के हर कोने में जाके कहता हूँ, मेरे इस आंदोलन को पदों के लालच ने, पदों के आरक्षण ने तबाह करके रख दिया। मगर इसका मतलब ये नहीं है, छत्तीसगढ़ में एक रामटे के बच्चे ने पूछा कि सर क्या हम पदों पर आते हैं तो गलत काम करते हैं, हम तो सारे पदाधिकारी हैं। हमने कहा पदों पर आओ, मगर मेरा सारा जीवन बेहतरीन पदों पर रहते हुए गुजरा है, मैं अपने लिए कहता हूँ मुझे आज पद की जरूरत नहीं है। मगर संगठन के पदाधिकारी सुन लो, और जो पद पे आने की तैयारी में है, पद पे आने का सपना देखते हैं भैया, वो भी सुन लो, और सुन नहीं लो ध्यान से सुन लो कि जब कोई पद पे आवे तो ये देखने में किसके पद पे आ रहा है, किसके स्थान पर आ रहा है, और उसने अपने जीवन में कितना काम किया, कैसा काम किया। अगर उससे बेहतरीन काम, उससे अच्छा काम कर सको और अपने काम से जनता को प्रभावित और लाभान्वित कर सको तो पद पे आओ, और इसलिए तो पद पे बिल्कुल मत आना। मंच पे बैठ गए, जबरदस्ती आके बैठ गए, फोटो खिंचवा लिया, पहले साली को भेज रहे हैं, फिर साधु को भेज रहे हैं, फिर सास को भेज रहे हैं, और कह रहे हैं तुम्हारा रिश्तेदार बहुत बड़ा हो गया। अरे इसी रिश्तेदारी से तो बेड़ा गर्क हो गया। बाबा साहब का जो आंदोलन है, बाबा साहब के हर आंदोलनकारी को ये समझना चाहिए आंदोलन में मेरा कोई स्थान नहीं है, मैं तो इस आंदोलन की भीड़ का एक हिस्सा हूँ, मैं अपनी मेधा से अगर कुछ दे सकता हूँ तो मुझे देना चाहिए। बाबा साहब का एक संदेश बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा। बाबा साहब के जीवन की
सबसे महान उपलब्धि ये थी कि वो अपने जमाने के सबसे अधिक चरित्रवान महापुरुष थे, और दूसरी ये थी कि वो सबसे विद्वान महापुरुष थे। भगवान तथागत सम्यक संबोधन ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए विनय बनाए, 227 नियम बनाए, उनका भी लब्बो लगाओ यही है, उसका भी निष्कर्ष यही है कि भिक्षु चरित्रवान बने और विद्वान बने। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पत्र लिखा था अपनी मंगेतर डॉक्टर सविता अम्बेडकर को, लिखा था शादी उनकी 15 अप्रैल 1948 में हुई थी, उससे पहले लिखा था, ए सविता, उसको वो शारू कहते थे, शारू इस देश के बड़े बड़े नेता गांधी और नेहरू जैसे अगर मुझसे थर्राते हैं तो मेरी डिग्रियों के कारण नहीं, वो मेरी डिग्रियों के कारण नहीं बल्कि मेरे चरित्र के कारण, क्योंकि मेरे चरित्र जैसा चरित्र आज इस देश में किसी भी नेता का नहीं है। हमें गर्व है इस बात का कि हम जिस व्यक्ति के अनुयायी हैं, जिस महापुरुष के मार्ग पर चल रहे हैं, उनका नाम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर है, और वो चरित्र के मामले में हिमालय से भी ऊंचा चरित्र रखते थे, ये उनकी पहचान है। बाबा साहेब जब स्कूल में पढ़ते थे, सोनलाल शास्त्री लिख रहे हैं बाबा साहब के संपर्क में 25 वर्ष में लिख रहे हैं कि हम एक जगह बहुत सारे स्टूडेंट फिल करके पढ़ते थे, एक रात को उन्होंने क्या देखा कि बाहर उनके बाहर पटरी पर एक महिला बैठी है, एक लड़का था मन चला था बदमाश था, वो अपने साथियों से बिछड़ के बाहर सड़क पे आया और उस औरत से बातचीत की, औरत परेशान थी, पीड़ित थी, उसका आदमी दारू पीता था और दारू पी करके उसके ऊपर अपनी पिटाई करता था, अपनी बहादुरी इसी रूप में साबित करता था, और उसने लड़के ने उसे बहला लिया, फुसला लिया, उसे कमरे में ले आए, बाबा साहब बताते हैं उन्होंने काला मुंह किया और बाबा साहब से भी कहा, अरे भीमराव आजा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको लताड़ा और कहा कि मैं तुम मुझको अपने जैसा नीच कमीना तुच्छ समझते हो, मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे बाप से करूंगा। ये मेरे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का चरित्र था। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बार शाहू जी महाराज के परिवार में एक व्यक्ति ने इंग्लैंड की एक अंग्रेज बहन को अपने घर में ले आया, अपने घर में ले आया, कोल्हापुर में महाराजा शाहू जी महाराज के परिवार में कलेश छिड़ गया कि ये इसको क्यों ले आया। बात बाबा साहब तक पहुंची, बाबा साहब शाहू परिवार के बड़े नजदीक थे, बड़ा सम्मानित स्थान रखते थे, उन्होंने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब हमारी इस समस्या का हल करो। उन्होंने उस व्यक्ति से बात की जो उस मैम को लाया था, तो उन्होंने बाबा साहब ने कहा, उसको कहा कि तुम एक काम करो, इस महिला को अगर तुम अब ले आए हो और अपने साथ रखते हो, इसे पत्नी बना के अपने साथ रखो, तो फिर मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। उस महिला ने उस परिवार के सदस्य से, शाहू महाराज के परिवार के सदस्य से शादी कर ली, समस्या हल हो गई, विरोध समाप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कई साल के बाद बाबा साहब अपने घर में दादर के हिंदू कॉलोनी में अपने राजगृह में आराम कर रहे थे। रात के 3 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया, बाबा साहब भी नहीं समझ पाए क्या माजरा है, मगर जब दरवाजा खोला तो रात के 3 बजे वो गोरी चिपकी अंग्रेज मैन बाहर खड़ी थी, दरवाजे के बाहर खड़ी थी। बाबा साहब ने कहा, व्हाट इज दिस हैपनिंग, उसने कहा कि मैं उसके घर में नहीं रहूंगी जिसके साथ आपने मेरा विवाह कराया था, आई लव यू डेफिनेटली, यू आर माई डार्लिंग, आई वॉन्ट टू ओपन माई लाइफ इन योर फीट, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करना चाहती हूँ, मैं आपको अत्यधिक प्यार करती हूँ, आप मेरे प्राण प्यारे हो, मैं आपके चरणों में अपना जीवन समाप्त कर देना चाहती हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर तो बहुत बड़े चरित्र के धनी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, तुम जाओ नहीं जाओ, मैं वहाँ के लोगों को बुलाता हूँ और तुम्हें उनके पास करता हूँ। उसमें लिखा है बाबा साहब ने उस महिला से बड़े मुश्किल से पीछा छुड़ाया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का साथ वो ऐसा चरित्र है, बाबा साहब की जबर माँ भाई पर गई, उन्होंने डबल रोटी और बिस्कुट खा खा के अपना जीवन बिताया था। साथियों उस
वक्त दादा साहब गायकवाड़ बोले, बाबा साहब के राजनीतिक सेनापति थे, बोले है बाबा साहेब अब आप अपने घर में कोई भाई रख लो, कोई नर्स रख लो। बाबा साहब ने कहा नहीं, मैं काम नहीं करूंगा। अगर मैं किसी महिला को, किसी नर्स को, किसी आया को अपने घर में रख लूंगा तो ये माँ का जो कांग्रेस मीडिया है, हिंदू मीडिया है, मुझे बदनाम कर देगा और मैं बदनाम हो गया। तो याद रखो, बदनाम लीडर अपनी कौम का भला नहीं कर सकता था। उन्होंने बाबा साहेब उन्होंने कहा कि अच्छा आप एक काम करो, ये भी साली है, शांताबाई उसका नाम है, पढ़ी लिखी है और उससे आप शादी कर लो। उन्होंने कहा तू शांता की बात करता है, वो शांता मुझे क्या पुकारती है? आपको बाबा साहब पुकारती है, वो तो मुझे बाबा कहे, वो तो मुझे बाप कहे और मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊं तो क्या तुमने मुझे ब्रह्मा समझा है? ब्रह्मा समझ गया ना, इनका जो ब्रह्मा है ना अनाड़ी लोगों का, उसने अपनी लड़की से संभोग करके बेटा पैदा किया। तो हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को हमेशा याद रखें, क्या बने? चरित्रवान बने और विद्वान बने। बाबा साहब विद्वान नहीं होते तो इन लंगोटे की जगह ये सफेद सूट नहीं आता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो हमारे जैसे कंगले ऐसे मंच पे खड़े होके इतने कैमरों के सामने ना बोलते। बाबा साहब अगर पैदा ना होते तो इस देश में ये जो गद्दार हैं ये भी पैदा ना होते। क्यों ना होते? ये गद्दार बाबा साहब की मेहनत से ये भीड़ इकट्ठी होती है और गद्दार कहते हैं ये सारे मेरे अनुयायी हैं, ये सारे वोट मेरे हैं, तो मुझे मेरे गद्दार की फीस दे दे, मैं सारे के सारे तेरे पाले में चले जाएंगे। इस तरीके से आज एक बहुत बड़ी जरूरत है, वो ये है, आप तो बहुत है जो कहना आया था उन्हें तो मैं भूल ही गया। अब ये है बात कि आज यहाँ पर एक रमेश गौतम जी जो 1978 से अपने साथ मुझे बनाए हुए हैं, नहीं मालूम ये उनमें क्या देखते हैं। ना तो भाई मैं विद्वान नहीं, मैं वक्ता नहीं, मेरी आवाज में पता नहीं आपको क्या गुनगुनी होती है, इसलिए मुझे बुलाते हैं। इनकी एक किताब है जिसका आज विमोचन होना था, आज वो लेट हुई है, तो इसी वजह से कि वो किताब, ये तो कहते मैं लिखता पढ़ना जानता नहीं, मगर किताब भी बना दी 500 पेज की, तो वो आज नहीं आ पाई, उसमें काम चल रहा है, उसका क्षमा प्रार्थी समय प्रकाशन है, मगर बहुत जल्दी इनके हाथ की इनके जीवन के जो तजर्बे हैं, जो इनके जीवन के अनुभव हैं, जो इनके ज्ञान सारिणी है, वो उसमें आपको मिलेगी। और भाई राक्षस यहाँ आकर अगर खड़े हो गए हैं तो उसका मतलब भी मैं समझता हूँ। अब मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा, मगर जाते जाते ये जरूर बताऊंगा कि आप अपने गांव में, अपने रिश्तेदारी में अपने बच्चों पर नजर रखें। आपका बच्चा कहाँ जा रहा है? आपका बच्चा कहाँ जा रहा है? किसके साथ रहता है? किसकी संगत भुगतता है? उस पर पहरा देने की जरूरत है। ये जो हमारा दुश्मन है बदमाश, वो कोई ताकतवर नहीं है, हम लोग आपस में बटे हुए हैं, ये उसकी शक्ति है, हम अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, ये उसकी संगठन की वजह बनी हुई है। अब मेरी बहना, मेरी बच्चियों, एक बात याद रखना, मेरी घरवाली की तबीयत खराब थी, आज किसी ने नहीं लाया, नहीं तो लोग कहते हैं आज कैसे दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया, बिछड़ नहीं गया, पिछड़ गया। मैं एक बात कहता हूं, वो बुद्धिस्ट है ना, इसलिए मेरे से भी तगड़ी है। तो आप सब जानते हैं भाई मिलान की हंस रहे हैं, तो वो जब ब्लाउज सिलवाने जाती है, ब्लाउज तो सभी पहनती है ना महिलाएं, वो नाप देने जाती है एक दिन और 6 दिन जाती है, भैया ये कूलर ढीला कर दिया, वो कूलर टाइट कर दिया, भैया यहाँ से थोड़ा सा और खोल दे, यहाँ से थोड़ा सा थोड़ा कम कर दे, 6 बार जाती है, मगर शांति स्वरूप बोध की समझ में आज तक ये नहीं आया, जिसके 12 हाथ थे उसका बोझ कौन सिलता था। बढ़िया, ये कुछ सवाल है मेरी बहन बेटियों, ये सारे देवी देवता जो उन्हें बना रखे हैं ना, इनको छोड़ो और आज के दिन
आज का दिन हमारा स्वतंत्रता दिन है। हमारी गुलामी की भेड़ी हम सुनते थे, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करो कि उन्होंने उसे हक आग के हवाले करके हमारी आजादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आप अपने अपने घर में जाओ, आज अपने अपने घर में जाना और दीपक जलाना। दीपक क्यों जलाना? कि ये दीपक बोधों का आविष्कार है। ध्यान से सुन लो, दीपक बोधों का आविष्कार है। इनके वेदों में, वेदों का जो अनुवादक है गोपाल चंद शर्मा अपने अपने अनुवादके में लिखता है कि वेदों के समय में सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद होते हुए भी मुझे एक चीज बड़ी विस्मित करती है, वो ये है कि इसमें किसी वैकल्पिक प्रकाश का वर्णन नहीं है। वैकल्पिक प्रकाश क्या होता है? मानव निर्मित प्रकाश, जैसे लाइट है, लालटेन है, कुप्पा है, मोमबत्ती है, ये मानव निर्मित प्रकाश है। मगर जब बुद्ध कहते हैं संसार में पहली बार दीपक का वर्णन आया तो मेरे शास्त्रा भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के मुखारविंद से आया। जब वो कहते हैं अत्यधिको भव, अत्यधिको भव कहते ही ये दीपक हमारा हो गया। दीपक जलाने के जितने भी त्योहार हैं वो सारे के सारे हमारे हैं। आज अपने घर जा करके दीपक जलाने से खरीद के ले जाना या गांव में खरीद लेना, मगर दीपक जरूर जलाना। दीपक जलाने के काम में आलस मत करना, लालच मत करना। जरा ये बता दो इस व्यक्ति को कि आपके यहाँ से अपने घर जा जाकर कम से कम 5 दीपक जलाने हैं, बताओ कौन कौन जलाएगा? भैया मेरी नजर कमजोर है, जरा पहले की तरह खड़े होके बताओ कि कौन कौन जलाएगा? दीपक जलेंगे, अनगित जलेंगे। अब मेरे साथ जो अपने आप को देख खड़े रहो तो बैठे हैं बच्चों को भी खड़े हो जाओ, थोड़ी देर के लिए बड़े हो जाओ। मेरे नामों का जवाब कौन कौन देगा? बोलो, हम अम्बेडकर वादी हैं। अरे ये 144 खंबे की पार्लियामेंट में बैठा फैंकू हिलना चाहिए। हम अम्बेडकर वादी हैं, बोलो, संघर्षों के आदि हैं। हम अम्बेडकर वादी हैं, हम अम्बेडकर वादी हैं, हम अम्बेडकर वादी हैं। सीने ये फोला दी हैं। आप सबको क्रांतिकारी जय भीम और विनम्र नमो बुद्धस्य।